नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और भारत का भूगोल विषय लेकर मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। मेरे आवाज़ से आप लोगों ने ये अनुमान तो लगा लिया होगा कि सर्दी जैसी समस्याओं का मैं सामना कर रहा हूं, तो आप आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान ना लगाते हुए वीडियो के कंटेंट पर ध्यान लगाएंगे तो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए लाभ होगा, म्यूचुअल बेनिफिट होगा। हालांकि काफ़ी अच्छी स्थिति पर मैं पहुंच चुका हूं, तो आगामी वीडियो पर शायद ये सामना भी आपको ना करना पड़े, अर्थात मेरे सर्दी ग्रसित आवाज़ का सामना आपको ना करना पड़े, ऐसी पूरी संभावना होगी। इस वीडियो पर हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो बाकी सारे ज्योग्राफी के टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज का वीडियो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पर आधारित होगा। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो सिर्फ एक वीडियो पर ख़त्म करना संभव नहीं है, इसीलिए इसे पार्ट वाइज धीरे धीरे आपके सामने ये वीडियो आते रहेंगे, टॉपिक आते रहेंगे। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं कि क्यों मैंने इसे इम्पॉर्टेंट कहा, क्यों मैंने कहा कि ये फिजिकल डिवीजन बाकी सारे ज्योग्राफी के टॉपिक समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर एक छोटी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा। किसी भी स्थान की स्थल आकृति जब हम पढ़ते हैं तो उन स्थल आकृतियों पर बहने वाली नदियाँ कुछ विशेष प्रकार की प्रवृत्ति दिखाती हैं, तो हमें स्थल आकृति या फिर भौतिक विभाजन पढ़ने के बाद किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अपवाह तंत्र को समझने में सहायता मिलेगी। किसी भी एक स्थान की स्थल आकृति वहाँ की जलवायु या फिर सीधे आसान शब्दों पर आप कह सकते हैं वर्षा और तापमान पर भी अपना डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, तो हमें जलवायु समझने के लिए भी फिजिकल डिवीजन समझना होगा। हमें किसी क्षेत्र पर मृदा की संरचनाओं को समझने के लिए भी फिजिकल डिवीजन समझना होगा, क्योंकि मृदा भी जो है वो चट्टानों और ढलानों के आधार पर निर्मित होते हैं एक लंबी अवधि के आधार पर। किसी एक स्थान पर किस प्रकार की वनस्पति है अर्थात पेड़ पौधे और जीव जंतु है, ये भी समझने के लिए हमें भौतिक विभाजन या फिर और माइन्यूट कह दूँ तो स्थल आकृति विभिन्न प्रकार के जो होते हैं हमारे देश के, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो पर या इस टॉपिक पर हम भारत के भौतिक विभाजन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं और क्या मतलब है इस फिजिकल डिवीजन का, तो उसे मैं अगर बता दूं तो देखिए हम इस वीडियो पर पढ़ने वाले हैं भारत के पहाड़। क्लियर है? तो मुख्य रूप से आप ये समझ सकते हैं कि हम उत्तर और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों को पढ़ेंगे। क्लियर है? ये जो पार्ट मैंने क्या किया, ये ब्लैक कलर के मार्कर से जो अंडरलाइन किया वो क्या हो गया, हमारा उत्तर पूर्वी पहाड़ और उत्तरी पर्वतमाला। क्लियर है? फिर उसके बाद जब ये उत्तरी पर्वत आप समझ लेंगे, इसकी विशेषताओं को समझ लेंगे, यहाँ पर बहने वाले अपवाह तंत्र की विशेषताओं को समझ लेंगे, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु निर्मित हो रही ये समझ लेंगे, तब हम अपना रुख कर देंगे मैदानी क्षेत्र पर। तो मैदानी क्षेत्र आपको कुछ इस प्रकार से विस्तृत होते हुए दिखेंगे भारत पर। तो पहले नंबर पर अगर मैं ये कह दूँ कि उत्तर पर्वतमालाएँ या उत्तर पर्वतमालाएं और साथ में उत्तर पूर्वी पहाड़ी हम पढ़ेंगे, तो दूसरे नंबर पर हमारी पढ़ाई चली जाएगी उत्तर भारत के विशाल मैदान पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस तीसरे भाग को, और इस तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं, तो इस तीसरे भाग को हम कहते हैं प्रायद्वीपी भारत या फिर पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है? पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपी भारत। फिर चौथा जो भाग हो जाएगा वो आपको इन दो छोरों पर दिख रहा होगा, तो हम फिर चौथा भाग पढ़ेंगे किस नाम से, तो वह तटों में बने हुए मैदानों के बारे में पढ़ाई करेंगे, इसलिए हम इसे क्या नाम दे देंगे इस टॉपिक को, तटीय मैदान। ये हो गया चौथा भाग। और पांचवा भाग हम द्वीप समूह के साथ चलेंगे और फिर उसके बाद फिजिकल डिवीजन हम खत्म कर लेंगे। तो कुल मिलाकर जब मैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आप लोगों से कहूँ तो आप ये समझ जाएँ कि हम भारत के इन पाँच भागों को पढ़ने वाले हैं, अलग अलग करके, अलग अलग पृथक तौर से समझेंगे, अलग अलग टॉपिक पर इनके विशेषताओं के साथ में। क्लियर है? तो ये हम करने वाले हैं। लेकिन ये ऐसा भारत बना कैसे, सबसे पहले सवाल तो ये आता है। देखिए लास्ट वीडियो पर या लास्ट टॉपिक पर जहाँ पर आपने सामान्य जानकारी देखी, वहाँ पर आपने भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखी, भारत के पड़ोसी देश देखे, सीमा देखे, ये सारी चीज़ आपने कवर किया। अब इस टॉपिक पर हम लेकर आ रहे हैं वह भारत जिस पर मानव प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर है। आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा भारत जिसे प्रकृति ने बनाया है, जिसे नेचर ने बनाया है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने जो भारत देखा था उसे इंसानों ने बनाया था, सीमा रेखा इंसान खींचते हैं, प्रकृति नहीं खींचती। तो यहाँ पर हम प्रकृति के द्वारा बनाए गए भारत की पढ़ाई की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रकृति ने ऐसा भारत बनाया कैसे, आखिर क्या ऐसे कारण थे कि भारत हमें आज इस प्रकार से
देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले उस इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि भारत ऐसा दिखता कैसे है, और ये इंट्रोडक्शन हम लेकर चलेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ या फिर उन सारे अवधि पर हम बात करेंगे। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम इसलिए समझेंगे क्योंकि हमें ये जानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अभी वर्तमान तक, वर्तमान के समय अवधि तक ऐसे कौन से विभिन्न घटनाक्रम घटित हुए हैं अलग अलग काल पर, अलग अलग समय अवधि पर, जिस कारण से हमें भारत इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो चलिए हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की शुरुआत कर देते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब आप सुने, या फिर इसे आप भूवैज्ञानिक इतिहास भी कह सकते हैं, अर्थात इतिहास देखने वाले हैं भू की, तो आप इन सारे शब्दों से थोड़ा वाकिफ हो जाएं, ये ज़्यादा सही होगा। तो सबसे पहले एरा की बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं पीरियड की, फिर उसके बाद बात करते हैं इपोक की, और उसके बाद बात करेंगे एज की, ठीक है। और इन सारे चीज़ों को आप कह देंगे क्या, भूवैज्ञानिक इतिहास के विभिन्न काल या विभिन्न समय अवधि के आधार पर अलग अलग यहाँ पर ये वर्ग आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, आप इस टॉपिक पर या ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाले टॉपिक पर बहुत ज़्यादा अपने आप को भाषा के बंदिश पर बांध के नहीं रखेंगे कि इसे सिर्फ इंग्लिश पर लिखना है, हिंदी पर लिखना है, क्योंकि इंग्लिश पर अगर हम पढ़ने पे ज़्यादा आसानी हमें हो रही है तो हम इसे जब लिखने जाएंगे तो हिंदी में हमें पेपर क्योंकि लिखना होगा तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो ये सारे चीज़ पर आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, इन सारे शब्दों का, इतने टेक्निकल शब्दों का आप इस्तेमाल अगर पेपर पर देवनागरी के आधार पर कर देंगे तो भी आपको बराबर से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को ज़्यादा फोकस्ड तरीके से देखेंगे जानकारी के आधार पर, सामान्य ज्ञान के आधार पर, जो चीज़ें बताई जा रही है उस चीज़ को समझने का आप प्रयास करेंगे इन सारे टॉपिक्स पर, भाषा के बंदिश पर आप अपने आप को नहीं बांधेंगे। देखिए, जब आप पृथ्वी की उत्पत्ति देखते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की जन्म का इतिहास हमें लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो से होता हुआ देखने को मिलता है, और जब 1000-2000 मिलियन वर्ष पूर्व तक की समय अवधि पर आप बात करें तो इतने लंबे समय अवधि को आप एरा में कंसिडर करेंगे, एरा के अंतर्गत लाएंगे। जब ये 1000-1500 या 2000 मिलियन वर्ष की जो पूरी कहानी होगी उसे जब आप टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे, अर्थात आप इसे 100-150 की समय अवधि पर बांट देंगे, तब आप उसे कह देंगे पीरियड। और जब पीरियड को और छोटा कर देंगे, पीरियड अर्थात 100-150 की समय अवधि, 100-150 बिलियन वर्ष की जो समय अवधि होगी उसे जब आप तोड़ देंगे, आप उसमें जब 20-25-30 मिलियन वर्ष की कहानी को जब आप यहां पर फर्दर बाइफरकेट करेंगे तब आप उस समय अवधि को इपोक कहेंगे, और जब और छोटी समय अवधि आप ले लेंगे अर्थात 1000 वर्ष तक की कहानी जब आप चर्चा में ले आएंगे तब आप उसे एज में कंसिडर करेंगे। तो अगर आप समय अवधि के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा होता है एरा, फिर होता है पीरियड, फिर होता है इपोक, और सबसे छोटा हो जाता है एज। तो हम इस वीडियो पर विभिन्न प्रकार के एरा पर, विभिन्न प्रकार के पीरियड में, विभिन्न प्रकार के इपोक में कौन कौन से घटना घटित हुए थे भारत को इस वर्तमान की स्थिति पर लाने के लिए, इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले। तो चलिए, अगर मैं एरा कहूँ तो एरा मुख्य रूप से हम चार हिस्सों पर बांट सकते हैं, एरा को चार हिस्सों पर बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपको वर्ग देखने को मिलेगा इसे आप कहेंगे प्री कैम्ब्रियन एरा, जो दूसरा वर्ग हो जाएगा इसे आप कहेंगे पेलियोज़ोइक एरा, पेलियोज़ोइक एरा। देखिए, इन सारे शब्दों को कैसे आपको अपने आंसर पर फिट करना है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा, तो आप समझते रहिएगा, पहले जो समझाया जा रहा है उस पर पहले आप ध्यान लगाएंगे, आगे क्या होगा उस पर चिंता आप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो चिंता अगर आप करने लगेंगे तो वर्तमान में जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसे नहीं समझेंगे, और जो चिंता है वो तो ऑटोमेटिकली वीडियो के साथ साथ में क्लियर हो ही जाएगा। तीसरे भाग पर जो समय या जो एरा बना वो मेसोजोइक एरा बना, और जो चौथा हिस्सा हमको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सेनोजोइक एरा। तो इस प्रकार से ये चार एरा पर टोटल भूवैज्ञानिक इतिहास विभाजित होता है। प्री कैम्ब्रियन को अगर मैं पीरियड के आधार पर बांटूं तो ये तीन पीरियड पर विभाजित होगा, तीन पीरियड पर। तो सबसे जो पहला पीरियड होगा वो होगा एजोइक, दूसरा हो जाएगा आर्कियन,
तीसरा हो जाएगा प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, क्लियर है। और फिर उसके बाद अगर मैं पेलियोजोइक को विभाजित करूं पीरियड पर, तो हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन काल, फिर देखने को मिलेगा हमें ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन, जो तीसरा हमें देखने को मिलेगा वो होगा सिलूरियन, जो चौथा हमें देखने को मिलेगा वो होगा डेवोनियन, पांचवा हो जाएगा कार्बोनिफेरस, और जो छठवा हो जाएगा वो हो जाएगा परमियन। इस प्रकार से ये टोटल छह पीरियड पर विभाजित होता है पेलियोजोइक काल हमारा, पेलियोजोइक महाकल्प या पेलियोजोइक एरा। अब अगर मेसोजोइक को मैं कहूं कि मेसोजोइक को कितने भागों पर विभाजित किया जाएगा, तो इसे हम समझते हैं, लेकिन पहले इसे हम मिटा लेते हैं ताकि जगह बने। अब हम बात करते हैं कि मेसोजोइक कितने पीरियड पर बनता है, तो मेसोजोइक हमें बनता हुआ दिखेगा तीन पीरियड पर, और तीन पीरियड क्या क्या है, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा ट्रायसिक, फिर देखने को मिलेगा जुरासिक, हाँ ये वही जुरासिक है जिसके नाम के ऊपर आपने डायनासोर पर आधारित बहुत सारी मूवी देखी होगी, और उसके बाद जो तीसरा पीरियड मिलेगा वो मिलेगा क्रिटेशियस। तो इस प्रकार से तीन पीरियड पर मेसोजोइक विभाजित होता है, और उसके बाद अगर आप सेनोजोइक पर आए तो दो पीरियड पर यह विभाजित होता है, जिसमें से एक आपका हो जाएगा टर्शियरी और दूसरा हो जाएगा क्वार्टरनरी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, लेकिन घबराइएगा नहीं, नाम याद नहीं हो रहे, समय याद नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने भारत के भौतिक विभाजन को समझने के लिए भूवैज्ञानिक इतिहास का सहारा लिया, और इस भूवैज्ञानिक इतिहास को हमने एरा के आधार पर देखा, महाकल्प के आधार पर देखा, तो हमने इसे चार वर्गों पर विभाजित कर दिया, जिसका नाम क्या क्या था, प्री कैम्ब्रियन था, पेलियोजोइक था, मेसोजोइक था और सेनोजोइक था, और इन विभिन्न एरा को हमने आगे चलकर पीरियड पर विभाजित कर दिया, जिसमें हमने देखा कि प्री कैम्ब्रियन के तीन पीरियड थे, हमने देखा पेलियोजोइक के छह पीरियड थे, हमने देखा मेसोजोइक के भी तीन पीरियड थे, और हमने सेनोजोइक के दो पीरियड देखे। अब इसके बाद हम पर्टिकुलरली हर एक एरा के विभिन्न पीरियड पर कुछ विशेष घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो भारत के भूगोल के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ महत्वपूर्ण घटना उस समय अवधि पर हुई है, घटित हुई है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ध्यान है, हम जो करने वाले हैं वो इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन करने वाले हैं, तो हम इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहां से देखने को मिलता है, हम उसी पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा की। प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है, तो इसकी समय अवधि कम से कम हमें 4,500 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 600 मिलियन वर्ष पूर्व तक देखने को मिलता है। अब इसमें भी सबसे पहला जो हमें पीरियड देखने को मिलता है उसे कहा जाता है एजोइक, क्लियर है। अगर इसे मैं बाइफरकेट करूं, देखिए जोइक शब्द जहीं पर भी आप देखेंगे तो जोइक शब्द जीव को इंगित करता है। अब इस टाइम पीरियड पर अजोइक लिखा हुआ है, अर्थात जोइक का अर्थ तो जीव हो गया, और जब अ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि इस समय पर किसी भी प्रकार के जीव हमको देखने को नहीं मिलते थे, इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी देखने को हमें नहीं मिलते थे। अब ये जाहिर सी बात है कि ये कौन सा टाइम पीरियड है, तो ये कम से कम आप कह सकते हैं कि 4,500 से लेकर 250 मिलियन वर्ष पूर्व तक की कहानी ये एजोइक अपने अंदर समेटे हुआ है। तो इस दौरान पर, इस काल पर पृथ्वी बहुत ही अस्थिर थी, बहुत विस्फोट हो रहे थे, बहुत मोल्टेन लावा जो है सतह पर फैल रहे थे, सॉलिडिफिकेशन हो रहे थे, धमाके हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी जब उस समय अस्थिर थी तब जीवन के अनुकूल परिस्थितियों का तो निर्माण हुआ नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार के जीव का हमें साक्ष्य देखने को नहीं मिलता इस एजोइक टाइम पीरियड पर।
तो इस समय पर भारत में कुछ हुआ होगा क्या? तो नहीं, जब पृथ्वी ही अभी अपने पूर्ण रूप पर नहीं आई है तो आप भारत पर इसे कैसे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आर्कियन काल। तो आर्कियन काल का जो समय अवधि था वो लगभग 2500 से लेकर हम 1800 मिलियन वर्ष तक देख सकते हैं। इस टाइम पीरियड पर यह कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड पर हम मुख्य रूप से पृथ्वी को एक ठोस धातु के रूप में निर्मित होते हुए देखते हैं। अर्थात जब एजोइक टाइम पीरियड चल रहा था, 2500 मिलियन वर्ष पूर्व तक की जो कहानी चल रही थी, इस टाइम पीरियड पर पृथ्वी जो है वो लिक्विड स्टेट पर था। मैंने कहा कि लावा वाले फॉर्म पर चल रहा था, लेकिन ये लावा वाला फॉर्म जब तापमान गिरता है तब सॉलिड के रूप में तब्दील होता है, क्रस्ट बनता है, भूपरपटी बनती है। और वह भूपरपटी का निर्माण हमें कब होते हुए दिखता है? वह होते हुए दिखता है हमें आर्कियन काल पर। अब इसके बाद हमारे सामने जो तीसरा पीरियड आता है, वो तीसरे पीरियड क्या था? तो वो तीसरा पीरियड था प्रोटेरोजोइक। अब देखिए प्रोटेरोजोइक, जोइक का शब्द मैंने क्या कहा था अभी आपको? जोइक का शब्द मैंने कहा था जीव। तो मतलब इस टाइम पीरियड पर जीव आ गए थे, लेकिन क्या मेरे और आपके जैसे बड़े जीव आए थे? कतई नहीं। तो क्या मछलियां आई थी? कतई नहीं। तो कैसे जीव आए थे? ऐसे जीव जो प्रोटोजोआ आपने सुना होगा, तो प्रोटोजोआ जीव यहां पर देखने को मिलते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। और उसी प्रोटोजोआ से आगे चलकर यह शब्द बनता है प्रोटेरोजोइक। मतलब जीव की उत्पत्ति हो चुकी है, लेकिन ये अभी मैच्योर स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इस समय पर भी हमें भारत की भू आकृति पर, स्थल आकृति पर जीवों के द्वारा किसी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जीव इतने विकसित नहीं थे कि अपना किसी भी प्रकार का छाप या प्रभाव पृथ्वी के सतह पर दर्ज कर सके। तो इस प्रकार से हमने प्री कैम्ब्रियन काल को देखा और बहुत विशेष हमने भारत के भूगोल पर प्रभाव नहीं पाया। तो ये हो गया पूरी की पूरी कहानी प्री कैम्ब्रियन काल की। अब आते हैं पैलोजोइक काल पर, और वहां हमें बेशक भारत के भूगोल पर कुछ बात होते हुए जरूर देखने को मिलेगा। तो प्री कैम्ब्रियन के बाद अब हम देखते हैं पैलोजोइक एरा के बारे में। तो देखिए पैलियोजोइक, जोइक का शब्द का अर्थ आपको पता है, पैलियोजोइक अर्थात पुराना। इसे अगर हिंदी में हम अनुवाद कर दें तो पूरा जीव या फिर पूरा जीवी काल भी आप कह सकते हैं। अब इसकी आप फर्दर बाइफर्केशन करें, सब कैटेगरी करें, तो सबसे पहले आप बताएंगे कैम्ब्रियन के बारे में। देखिए कैम्ब्रियन काल या कैम्ब्रियन जो पीरियड था, इसकी जो समय अवधि थी ये लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 495 मिलियन वर्ष पूर्व तक देखने को मिलती है। इस समय जो विशेष महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए वो ये हुआ कि जो हमारी पृथ्वी दो भागों पर विभाजित हुई थी, इस समय पर एक भूभाग वाला हिस्सा जिसे आप क्या कहते थे, पेंजिया, और एक सागर वाला हिस्सा जिसे आप कहते थे पेंथलासा। तो ये पेंथलासा कुछ टाइम पीरियड के लिए इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर चला आता है। तो आप ये कहेंगे कि इस काल पर सागर जो है वह क्या करता है, वह स्थल पर या फिर आप इसे कहेंगे थल पर अतिक्रमण करता है। और जिस कारण से, अब देखिए जीव तो आ चुके थे, जो आप देखे प्रोटेरोजोइक पर वो छोटे छोटे जीव आ चुके थे, तो वो छोटे जीव के साथ सागर क्या हुआ, इन थल वाले भाग पर अतिक्रमण करता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है और एक लंबी समय अवधि तक रहता है। ये लंबी समय अवधि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कितने लाखों साल की बात यहाँ पर हो रही है। और इस कारण से इस समय काल पर हमें सबसे पुरानी अवसादी करण वाले थल मिलते हैं या फिर सेडिमेंटेशन मिलता है, अवसादी चट्टाने मिलती हैं। तो हमें यहाँ पर सेडिमेंटेशन देखने को मिलता है, और इसी काल के सेडिमेंटेशन हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, हमें देखने को मिलते हैं हिमालय पर। आप स्पीति वैली का जिक्र करेंगे जब भी ये बताएंगे कि हिमालय पर हमें सेडिमेंटेशन देखने को मिलता है। तो अब ये पॉइंट अगर आपने अपने मेंस के आंसर पर पुट कर दिया कभी भी, जब हिमालय के बारे में चर्चा हुई कि हमें हिमालय पर ओल्डेस्ट सेडिमेंटेशन या फिर पुराना अवसादीकरण देखने को मिलता है जिसका निर्माण हुआ था कैम्ब्रियन काल पर, जिसकी अवधि थी 600 मिलियन वर्ष पूर्व से 495 मिलियन वर्ष पूर्व तक, तो बेशक आपको काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे दूसरों की तुलना पर। तो ये हो गया
कैम्ब्रियन काल भारत के परिप्रेक्ष्य में। देखिए और भी बहुत सारे घटना घटित हुए हैं इस काल पर, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे जिसका प्रभाव हमें भारत के भूगोल के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। तो कैम्ब्रियन काल के बाद आगे हम बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम दूसरे चरण पर पहुंचते हैं और दूसरे चरण पर हमें मिलता है ऑर्डोविशियन पीरियड। क्या? ऑर्डोविशियन पीरियड। इसकी जो समय अवधि थी यह 495 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 443 मिलियन वर्ष पूर्व तक देखने को मिलती है। इस टाइम पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स या फिर बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतुओं का काल, ठीक है, या फिर आप इसे रीढ़ विहीन जंतुओं का काल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रीढ़ विहीन जंतुओं का काल क्यों कहा जा रहा है, एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स क्यों कहा जा रहा है, तो देखिए उत्पत्ति कभी किसी काल पर हो चुकी थी। इस काल पर आने के बाद इन जीव जंतुओं का सबसे चरम सीमा देखने को मिलता है, सबसे मैच्योर स्टेज देखने को मिलता है, इसलिए इनके नाम के आधार पर इस काल को इनका काल कह दिया जाता है, क्योंकि इस काल पर ये अपने मैच्योर स्टेज पर आए थे, अपने सबसे विकसित अवस्था पर पहुंच चुके थे। ऑर्डोविशियन काल पर भारत के परिप्रेक्ष्य पर कुछ महत्वपूर्ण घटना तो नहीं, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, इसे पहले हम मिटा देते हैं, जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तब हमें तीसरा पीरियड देखने को मिलेगा और तीसरा पीरियड का नाम क्या था, सिलूरियन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलूरियन, तो आप पहले तो ये बता देंगे कि 443 से 417 मिलियन वर्ष पूर्व तक ये समय अवधि देखने को मिलती है। अब इस टाइम पर कैलोडियन हलचल हुआ था विश्व में। देखिए जो द्वीप थे आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे, कोई एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, क्योंकि हमें ये पता है कि पेंजिया आगे विभाजित होता है और अलग अलग टुकड़ों पर बढ़ जाता है, जो आज हमें द्वीपों के आधार पर या कॉन्टिनेंट के रूप में देखने को मिलता है, महाद्वीप के रूप में देखने को मिलता है। तो ये अचानक से तो हुआ नहीं होगा, इसमें काफ़ी दिनों तक फोर्स लग रहे होंगे, इसमें बल लग रहा होगा, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास कर रहे होंगे, और इसी काल पर इस घटनाक्रम के कारण ही ये प्लेटों का एक दूसरे से टकराव और विभाजन के कारण ही, तो इसी काल पर हमें भारत में बनता हुआ दिखता है अरावली पर्वत, फिर हमको बनता हुआ दिखता है छोटा नागपुर पठार, और साथ ही साथ हमें यहां पर विंध्यन पर्वत भी बनता हुआ दिखता है। अब इन सारे पर्वतों के बारे में अगर मैं कहूं तो ये वलन की प्रक्रिया के द्वारा उत्थित भूखंड है या फिर एलिवेशन पार्ट है ये लैंड के, ड्यू टू फोल्डिंग या फिर वलन की प्रक्रिया। देखिए जब दो प्लेट टकराते हैं आपस में तब इनके बीच में फोल्डिंग होती है, और इस उठे हुए फोल्डेड पार्ट को ही आप फोल्डेड माउंटेन कहते हैं या फिर वलित पर्वत कहते हैं, जिसका निर्माण वलन की प्रक्रिया या फिर फोल्डेड एक्शन के कारण हुआ है, ठीक है। अब इन नदियों को जब आप देखेंगे भारत के मानचित्र पर तब आप ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे कि कैसे कहाँ कहाँ पर इनका स्थान है या फिर इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। सिलूरियन टाइम पीरियड पर ही हमको कोरल या फिर प्रवाल भित्तियों का निर्माण होते हुए दिखता है, जिसके आधार पर हमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह का विकास होता हुआ दिखेगा। देखिए जब आप लक्षद्वीप समूह के बारे में बात करें तो आप कहेंगे कि ये कोरल आइलैंड है, अर्थात कोरल जीवों के द्वारा, कोरल प्रवृत्तियों के द्वारा, प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित किया गया ये द्वीप समूह बनता है। तो जब भी आप अरावली, छोटा नागपुर पठार या विंध्यन पर्वत के बारे में लिखेंगे तब आप बताएंगे कि इन पर्वतों का निर्माण वलन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है और जो उसकी समय काल थी वह थी सिलूरियन पीरियड, जिसकी अवधि यह है। ये सिलूरियन टाइम पीरियड आपके आंसर को दूसरों के आंसर से थोड़ा सा अलग बताएगा, तो इसलिए इन सारे चीज़ को, इन सारे वर्ड्स को आपको वहाँ पर क्या करना है, इनबिल्ड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलूरियन टाइम पीरियड के बाद हम देखते हैं डेवोनियन टाइम पीरियड। डेवोनियन टाइम पीरियड की जो अवधि हमें देखने को मिलती है यह 417 से 354 मिलियन वर्ष पूर्व तक की कहानी देखने को मिलती है, और इन्हें कह दिया जाता है एज ऑफ फिशेस या फिर मत्स्य युग,
ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर हम मछलियों को विकसित होता हुआ देखते हैं, अर्थात अपने उत्पत्ति के विकसित होने वाले जो उसका सबसे मैच्योर स्टेज था, सबसे चरम सीमा थी मछलियों के विकास की, वो हमें इस टाइम पीरियड पर देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे मत्स्य काल या फिर एज ऑफ फिशेज भी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इसी टाइम पीरियड पर हमें एम्फीबियंस की उत्पत्ति होते हुए दिखती है। एम्फीबियंस अर्थात ऐसे जीव जो जल में और थल में दोनों में आसानी से जी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में ये आराम से मतलब अनुकूल परिस्थिति बना सकते हैं अपने जीवन के लिए, थल में भी और जल में भी। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। तो डेवोनियन टाइम पीरियड पर हमें ये दो चीज़ होते हुए दिखती है। भारत के भूगोल पर इस समय काल पर कुछ विशेष घटनाक्रम तो नहीं, ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिलता, कुछ विशेष हमें यहाँ पर अंतर भारत के परिप्रेक्ष्य में इस डेवोनियन काल पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन पूरे विश्व के मानचित्र पर कुछ अब हलचल होने वाली है। और यह हलचल कब होती है? तो यह हलचल होती है डेवोनियन टाइम पीरियड के बाद आने वाले पीरियड का, जिसे आप क्या कहते हैं? कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस का आप समय काल अगर लिखें तो यह हो जाएगा 354 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 290 मिलियन वर्ष पूर्व तक। इस टाइम पीरियड पर विश्व के मानचित्र पर जो महत्वपूर्ण घटना घटी वह ये घटी कि जो एक भूभाग था, एक विशाल भूभाग था जिसे आप पेंजिया कहते थे, यह क्या हो गया? यह टूट गया। क्लियर है? यह टूट गया। देखिए, इन सारे चीज़ों पर हम फिर से एक बार जिक्र करेंगे जब हम चट्टान पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय भी हमें चट्टान के निर्माण की, चट्टान के विकास की कहानी को समझने के लिए इन सारे चीज़ों पर फिर से जिक्र करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पर दोबारा एक बार और देखेंगे। अब आ जाते हैं कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड पर। तो कार्बोनिफेरस के बाद जो अगला काल आता है वो अगला काल कहलाता है परमियन पीरियड। और ये जो परमियन पीरियड है, इस परमियन पीरियड की जब आप समय काल की बात करें, परमियन, ठीक है, तो ये समय काल हो जाएगा 290 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 248 मिलियन वर्ष पूर्व तक की कहानी। यह छठवां और अंतिम पीरियड हो जाता है पूरा जीव टाइम का, या फिर आप कह सकते हैं पैलेजोइक एरा का। इस टाइम पीरियड पर भारत में होता यह है कि जो भारत का सिंहभूम वाला क्षेत्र है, जिसे आप झारखंड बिहार राज्यों में देख सकते हैं, इस सिंहभूम वाले क्षेत्र पर फॉल्टिंग होती है, या फिर आप इसे कह सकते हैं भ्रंश निर्मित होते हैं। जब दो प्लेट क्या होंगी, जब कोई एक प्लेट टूट जाती है तब उसका एक हिस्सा और दूसरे हिस्से से जुदा होकर अलग अलग दिशाओं पर चल जाते हैं। बीच का हिस्सा धंस जाता है, जिसे आप एक घाटी के तौर पर देखेंगे। घाटी क्या हो गई? तो दो उत्थित भूखंड या फिर दो ऊंचे हुए भाग के बीच में दबा हुआ हिस्सा। तो ये दबा हुआ हिस्सा किसके कारण बनता है? अगर फॉल्टिंग के कारण, भ्रंश के कारण बनता है, तो आप इसे भ्रंश घाटी या फिर फॉल्टेड वैली कहेंगे। अब ये सिंहभूम वाले क्षेत्र पर ऐसा बनता हुआ दिखता है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि जो वनस्पति विकसित हो चुके थे सिंहभूम वाले क्षेत्र में, उन सारे वनस्पतियों का क्या हो जाता है? सेडिमेंटेशन हो जाता है। देखिए, जब ये भ्रंश घाटी बनी, तो जब ये भ्रंश घाटी बनती है तो क्या होगा? उस क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो क्या हो गए? उस गड्ढे पे आकर गिर गए। और एक बहुत ही लंबे समय अवधि के बाद तापमान और दाब के प्रभाव के कारण यहाँ पर ये जो दबे हुए वनस्पति हैं, या फिर अवसादीकरण जो इनका है, सेडिमेंटेशन जो है, आगे चलकर वो कोयले के तौर पर आज हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों से गोंडवाना शेल समूह के बारे में बात करें, अगर आप लोग से पूछा जाए कि क्यों झारखंड और बिहार वाला या सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें कोयला प्रचुर मात्रा पर देखने को मिलता है, तो उसके पीछे आप कारण ये बता सकते हैं कि परमियन काल पर वहाँ पर भ्रंश घाटी निर्मित होती है और वहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है, अवसादीकरण होता है वनस्पतियों का, जो तब्दील होकर आज हमें कोयले के रूप में देखने को मिलता है। तो इस समय काल पर सेडिमेंटेशन होता है। देखिए, सेडिमेंटेशन तो एक प्रक्रिया तो हो गई, दूसरी प्रक्रिया क्या होती है कि जब वहां पर घाटी बन जाती है तो उन घाटी को अपना मार्ग बनाकर कुछ नदियां भी प्रभावित होने लगती हैं, जैसे कि आप उस क्षेत्र पर देख रहे होंगे दामोदर नदी, ठीक है, कई जगहों पर महानदी का जिक्र भी इसी आधार पर किया जाता है।
तो ये सारे जो नदी थे, ये नदी क्या करने लगी, भ्रंश घाटी को अपना मार्ग बनाकर बहने लगी। देखिए नर्मदा और तापी भी भ्रंश घाटी बनाकर बहती हैं, लेकिन उसके पीछे ये परमियन काल के घटनाक्रम कारण नहीं है, ये आप स्पष्ट रखेंगे। तो इस प्रकार से पैलेज़ोइक काल में भी हमें कुछ कुछ परिस्थिति देखने को मिल जाती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या क्या देखने को मिला, तो पैलेज़ोइक टाइम पीरियड पर जब हम सबसे पहले काल पर थे, कैम्ब्रियन काल पर थे, तब हमने देखा वहाँ पर कि सागर वाला जो भाग है वो पूरा का पूरा महाद्वीपों के ऊपर चला आता है, और जिस कारण से आज हमें हिमालय पर कुछ सेडिमेंटेशन या अवसादीकरण वाले चट्टान पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलकर जब हम बढ़ते जाते हैं तब सिलूरियन टाइम पीरियड पर हमें कुछ महत्वपूर्ण स्थल आकृतियां बनते हुए दिखती है, जैसे कि अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत, छोटा नागपुर का पठार। ये सारे पर्वत या स्थल आकृति कैसे थे, तो ये वलन की प्रक्रिया के द्वारा बने हुए स्थल आकृति थे, ये फोल्डेड माउंटेन थे। आगे बढ़ते हैं और हमें कार्बोनिफेरस पर पेंजिया टूटता हुआ दिखता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक पेंजिया टूटेगा नहीं, पेंजिया से भारतीय प्लेट अलग होगा नहीं, और भारतीय प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराएगा नहीं, और हमें हिमालय बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो पैलेज़ोइक के सारे प्रमुख घटनाक्रम को समझने के बाद हम अगले एरा पर चलते हैं, और जिसका नाम है मेसोज़ोइक एरा या फिर मध्यजीवी। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं कहां पर, हम पहुंचते हैं मध्यजीवी काल, मध्यजीव वाला एरा। देखिए सर्दी का आप अनुभव ले रहे होंगे, मेरे द्वारा आप खुद नहीं ले रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन मेरे आवाज़ में और मेरे डिलीवरी में बिल्कुल आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे, बट ठीक है, आप कंटेंट पर फोकस करिए। देखिए यहाँ पर बात क्या हो गई, मेसोज़ोइक, ज़ोइक अर्थात जीव, और मेसो अर्थात मध्य या फिर मिडिल वाला जो भाग, जहाँ पर जीव विकसित हो रहे थे। ठीक है, जहाँ पर पुराने जीव विकसित हो चुके थे उसे हमने क्या कहा था, पैलेज़ोइक। और जब मध्य काल, जहाँ पर मध्य स्तर के जीव विकसित हो रहे थे, देखिए एम्फीबियन आ चुके हैं, अब यहाँ पर रेप्टाइल्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति और विकास का मध्य काल आने वाला है। अब इस मेसोज़ोइक को हम सबसे पहले अगर देखें तो हमें ट्रायसिक काल देखने को मिलता है। तो इस ट्रायसिक काल का अगर हम समय अवधि यहाँ पर लिखें तो 248 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर हमें ये 205 मिलियन वर्ष पूर्व तक देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे एज ऑफ मैमल्स कहते हैं, इस पूरे मेसोज़ोइक को आप एज ऑफ रेप्टाइल्स कहेंगे, अर्थात रेप्टाइल्स जो है वो इस मेसोज़ोइक टाइम पीरियड पर अपने चरम सीमा पर पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर भारत के भूगोल पे कुछ विशेष घटना तो नहीं घटी उसके परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जब हम जुरासिक टाइम पीरियड पर आते हैं, देखिए जुरासिक अगर आप कहें तो ये नाम पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड के एक पर्वत जूरा पर्वत पर, जहाँ पर हमें डायनासोर के बहुत सारे अवशेष देखने को मिलते हैं, उनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो जूरा पर्वत पर डायनासोर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें जब भी डायनासोर पर आधारित कोई पिक्चर देखनी होती है तो जुरासिक से थोड़ी ये मिलती जुलती रहती है। चलिए जुरासिक की आप बात करें इस काल की, तो 205 से लेकर 142 मिलियन वर्ष पूर्व तक की ये कहानी देखने को मिलेगी। इस टाइम पीरियड पर क्या होता है, इस टाइम पीरियड पर सागर वाला भाग, ठीक है, देखिए गोंडवाना लैंड अलग हो चुका था, अब इस टाइम पीरियड पर कुछ सागर वाला भाग भारतीय प्लेट के पश्चिम पर आकर थोड़े दिनों के लिए रह जाता है। ठीक है, अगर आप इसे कहें तो क्या करते हैं कि कुछ सागर वाला भाग अतिक्रमण करता है कहाँ पर, भारतीय प्लेट पर, जिस कारण से आज हमें गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग पर सागरी प्रभाव के कारण हमें तेल देखने को मिलता है, हमें नमक देखने को मिलता है। आप रन ऑफ कच्छ को अगर ध्यान में रखें तो वो क्या है, तो वहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा पर नमक देखने को मिलेगा, जिससे दूर दूर तक वो पूरी की पूरी धरती सफ़ेद देखने को मिलती है। अब ये नमक आया कैसे वहाँ पर, तो वो नमक आया इस तरह से कि सागर वाला जो भाग था वो उस भूभाग के ऊपर अतिक्रमण करता है, और उसके बाद लंबे समय अवधि रहने के बाद वहाँ पर जीवाश्म भी छोड़ देता है, नमक भी छोड़ देता है। जीवाश्मों से हमें वहाँ पर नेचुरल गैस या फिर ऑयल जैसे ऊर्जा संसाधन मिलते हैं, तो नमक जैसे खाद्य संसाधन भी हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया जुरासिक की महत्वता भारतीय परिप्रेक्ष्य में, कि हमें यहाँ पर
क्या बनता हुआ दिखता है, तो रन ऑफ कच्छ या फिर आप कह सकते हैं कि पश्चिमी गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में सागरी प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब भी आप ये बात करें रन ऑफ कच्छ के बारे में या गुजरात के बारे में, तो आप जुरासिक समय काल के इस घटना को ज़रूर जिक्र में लेकर आएंगे अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो चलिए, ट्रायसिक और जुरासिक तो हो गया, लेकिन अगला जो हमें पीरियड देखने को मिलता है वह क्या है, तो उस पर अगर आप बात करें तो वह देखने को मिलता है क्रिटेशियस युग। अब क्रिटेशियस युग की अगर आप बात करें तो इसका जो समय काल था वह आपको 142 से लेकर 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक देखने को मिलेगा। देखिए, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये शब्द लिया गया है क्रेटा से, और क्रेटा का अर्थ होता है चूना। ठीक है, तो विशेष तौर पर आप ये कह सकते हैं कि चूना पत्थर का जो विकास हुआ, लाइमस्टोन का जो विकास हुआ, हमें क्रिटेशियस टाइम पीरियड पर देखने को मिलता है। और इस समय जो जीव थे, जो जंतु थे, वो काफ़ी विकसित हो चुके थे, तो उनके कारण हमें ये लाइम या फिर जीवाश्म के कारण लाइम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, चूना देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, भारत परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए क्रिटेशियस टाइम पीरियड पर ही गोंडवाना लैंड से भारतीय प्लेट विभाजित हो जाता है। ठीक है, अगर आप पेंजिया के बारे में सुन चुके थे परमियन काल पर कि पेंजिया विभाजित होता है, तो पेंजिया किस पर विभाजित होता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पर। और क्रिटेशियस टाइम पीरियड पर गोंडवाना लैंड से भारतीय प्लेट विभाजित हो जाता है और उत्तर की दिशा की ओर गतिमान हो जाता है। अब जब ये उत्तर की ओर गतिमान हो चुका है, तब अपने मार्ग पर ये क्या करता है, एक द्वीप से मिलता है जिसे आप कहेंगे रीयूनियन आइलैंड। क्लियर है, क्या कहेंगे, रीयूनियन आइलैंड। अब ये आइलैंड कैसा आइलैंड था, तो यह वॉल्केनिक आइलैंड था या फिर ज्वालामुखी परिस्थिति दिखाने वाला ये द्वीप था, जिसके ऊपर से जब यह भारतीय प्लेट गुजरता है तो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रह जाने के कारण हमें भारतीय प्लेट पर भी वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है, उत्सर्जन देखने को मिलता है, और हमें भारतीय प्लेट पर लावा बिखरता हुआ दिखता है। और यही लावा जब सूख जाता है, तब भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर हमें डक्कन ट्रैप बनता हुआ दिखता है। ठीक है, तो डक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ, अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे कि भारतीय प्लेट अपने उत्तर की दिशा की ओर जब गतिमान हो चुका था, तब अपने मार्ग में ये रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से गुजरता है। रीयूनियन आइलैंड एक ज्वालामुखी प्रवृत्ति वाला द्वीप था, जिससे वॉल्केनिक इरप्शन या फिर ज्वालामुखी उत्सर्जन हो रहा था। भारतीय प्लेट के सतह पर लावा के जमाव से, उसके सॉलिडिफिकेशन से हमें जो भू आकृति देखने को मिलती है, जो भूगर्भिक संरचना देखने को मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, डक्कन ट्रैप। चलिए, तो इस प्रकार से हमने मेसोजोइक टाइम पीरियड को भी देख लिया भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो अब हम अगले एरा पर आते हैं, और अगला एरा क्या था, तो अगला एरा था सेनोजोइक। ठीक है, इस सेनोजोइक के टर्शरी काल पर हम चर्चा करते हैं, और टर्शरी काल को और अगर इपोक के वर्ग पर हम बांट दें, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पेलियोसीन। इसकी जो समय अवधि थी वो 65 मिलियन वर्ष पूर्व थी। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो दिखता है ईओसीन, और इसकी जो समय अवधि थी ये 55 मिलियन वर्ष पूर्व थी। और फिर हमें देखने को मिलता है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन इसकी जो समय अवधि थी वह 34 मिलियन वर्ष पूर्व थी। फिर हमें देखने को मिलता है मायोसीन, और यह 24 मिलियन वर्ष आप कह सकते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है प्लायोसीन, और यह 5 मिलियन वर्ष पूर्व तक हम चले आए हैं। हमने शुरुआत की थी लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व से, और अब हम 5 मिलियन वर्ष पूर्व तक आ गए। इन दो समय काल पर हमें क्या देखने को मिलता है, इन दो समय काल पर हमें भारतीय प्लेट जो है वो टकराता हुआ दिखता है यूरेशियन प्लेट से, और इन दोनों के बीच में जो उथला सागर वाला भाग था, जिसे आप टैथिस सागर कहते हैं, उसका संकुचन होता है, कंप्रेशन होता है, और हमें यहाँ पर सबसे पहला वलन प्रक्रिया के द्वारा हिमालय का एक भाग बनता हुआ दिखता है, जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ओलिगोसीन टाइम पीरियड पर हमें वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय बनता हुआ दिखता है,
और मायोसिन टाइम पीरियड पर हमें लघु हिमालय या लेसर हिमालय बनते हुए दिखता है और प्लायोसिन टाइम पीरियड पर हमें बनता हुआ दिखता है आउटर हिमालय शिवालिक जिसे आप कहते हैं या फिर हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट तक बनता हुआ दिखता है। तो ये इस प्रकार से एक ब्रॉड टर्म पर हमने भारत के इतिहास के बारे में समझा। अब इसे हम मानचित्र पर सारे चीज़ों को लाकर समेट दें अगर तो किस प्रकार से हमने कौन सी जानकारी देखी, तो चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए ये भारत का मानचित्र है। अब इस भारत के मानचित्र पर ये अलग अलग जो भाग बने हुए हैं उस पर हमने कब कब क्या बनते हुए देखा है तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने अरावली को बनते हुए देखा, हमने सतपुड़ा को बनते हुए देखा, हमने छोटा नागपुर पठार को बनते हुए देखा। और ये सारी चीज़ हमने कब बनते हुए देखी है तो चलिए एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमने अरावली को बनते हुए देखा, ठीक है, हमने छोटा नागपुर पठार को बनते हुए देखा और हमने सतपुड़ा को बनते हुए देखा और साथ ही साथ विंध्यन पर्वत को भी बनते हुए देखा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें कब बनते हुए दिखती है तो ये सारी चीज़ें हमें सिलूरियन काल पर देखने को मिली, क्लियर है। सिलूरियन टाइम पीरियड पेलियोज़ोइक का एक पीरियड था, इस टाइम पीरियड पर हमें ये सारी चीज़ बनते हुए दिखती है। अब इन सारे भू आकृतियाँ जो स्थल आकृति बन चुकी है इनके मध्य पर आपको कुछ नदियाँ प्रभावित होते हुए दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें तो आपको नर्मदा प्रभावित होते हुए दिख रही है, आपको तापी नर्मदा ऊपर ले आएंगे तापी नीचे ले आएंगे तो आपको ये दोनों नदियाँ प्रभावित होते हुए दिख रही है। तो इसका भी निर्माण आप इसी काल पर समझ सकते हैं कि कुछ यहाँ पर नदियाँ बनी और वो नदियाँ क्यों बनी। तो देखिए जब वलन की प्रक्रिया होती है भूखंड ऊपर उठते हैं तो इनके कॉर्नर पर इनके मार्जिन पर कुछ गड्ढा डिप्रेशन जैसा बनता है जिसे आप क्या कहते हैं वैली, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पर इन भू आकृतियों के मध्य से नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ प्रभावित होने लगती हैं। अच्छा आपने इसके पहले भी हिमालय वाले भाग पर कैम्ब्रियन काल पर कुछ देखा था, वो क्या देखा था कि जब कैम्ब्रियन काल पर समुद्र वाला भाग पेंजिया के ऊपर आ जाता है तब हमें वहाँ पर सागरीय प्रभाव के कारण अवसादीकरण देखने को मिलता है और उसका साक्ष्य हमें हिमालय पर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते समय हमें क्या देखने को मिलता है कि कार्बोनिफेरस, आगे बढ़ते हैं मतलब ये सिल्वेरियन टाइम पीरियड हो गया था, हमने देखा फिर कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड पर कि पेंजिया का विभाजन होता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पर। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस भारत में हमें सिंहभूम वाले क्षेत्र पर, इस सिंहभूम वाले क्षेत्र पर हमें क्या देखने को मिलता है तो परमियन काल पर, कब, परमियन काल पर हमें सिंहभूम वाले क्षेत्र पर भ्रंश घाटी बनते हुए दिखती है, क्लियर है, भ्रंश घाटी बनते हुए दिखती है जिस कारण से हमें वहाँ पर कोयला मिलता है। अब ये कोयला वहाँ पर क्यों मिला तो इसलिए मिला क्योंकि जब ये भ्रंश बना तो वहाँ के जो वनस्पति थे वह उस गड्ढे पर उस घाटी पर आकर दब जाते हैं और एक लंबे समय अवधि के कारण उनके अवसादीकृत रूप को हम यहाँ पर कोयले के रूप में देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ हमें कुछ यहाँ पर नदियाँ भी प्रभावित होती दिखेंगी जैसे कि दामोदर नदी, महानदी, वो हमको इस भाग पर देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब हम मेसोजोइक टाइम पीरियड पर पहुंच गए तब हमें वहां पर देखने को क्या मिला था, हमें वहां पर देखने को मिला था इस जुरासिक टाइम पीरियड पर इस वाले भाग पर सागर का अतिक्रमण जिस कारण से हमें वहां पर रन ऑफ कच्छ देखने को मिलता है, हमें इस क्षेत्र पर पेट्रोलियम पदार्थ जैसे ऊर्जा संसाधन के स्रोत भी देखने को मिलते हैं क्योंकि सागर जब इस भाग पर आता है तो उसके प्रभाव को हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद, अच्छा ये किस टाइम पीरियड पर हुआ था ये तो आपने बताया नहीं, तो ये मेसोजोइक के जुरासिक टाइम पीरियड पर हुआ था। क्रिटेशियस टाइम पीरियड पर क्या हुआ था कि जब ये प्लेट टूटकर गोंडवाना लैंड से भारतीय प्लेट टूटकर जब उत्तर की ओर गतिमान हुआ तब रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से गुजरने के कारण यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण हमें डक्कन ट्रैप बनता हुआ दिखता है। तो ये आपने ये सारे जिक्रों को यहाँ पर देख लिया। फिर उसके बाद जब सेनोजोइक टाइम पीरियड पर आप पहुँचते हैं तब आपको यहाँ पर हिमालय बनता हुआ दिखता है या फिर उत्तर के पहाड़ देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जब हम सेनोजोइक के क्वार्टरनरी टाइम पीरियड पर पहुंच जाएंगे तब इस हिमालय के नदियों के द्वारा जो
अवसाद लाए गए, जो निक्षेपण लाए गए, उनके जमाव के द्वारा हमें यहाँ पर मैदान बनता हुआ दिखता है, जिसे आप कहेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इस आधार पर अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भारत के अगर 4-5 भाग हैं, जैसे कि उत्तर पहाड़ियाँ, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपी भारत, तटीय मैदान और द्वीप समूह, तो सबसे पुराना कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे प्रायद्वीपी भारत, क्योंकि आपने अरावली, छोटा नागपुर पठार, सतपुड़ा को बनते हुए देख लिया था सिल्वियन काल में। फिर सबसे नवीनतम अगर कोई आपसे बोले तो वो क्या हो जाएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान, क्योंकि ये सेनोजोइक टाइम पीरियड पर होता है। तो ये है विभिन्न समय अवधि पर विभिन्न घटनाएं जिनके आधार पर हमें ये भौतिक भारत देखने को मिलता है। तो अब अगले वीडियो पर हम इसी भौतिक विभाजन को अलग अलग पढ़ने वाले हैं, अर्थात पहले हम उत्तर पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन पढ़ेंगे, फिर मैदान पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपी भारत पढ़ेंगे, फिर तटीय मैदान पढ़ेंगे और आखिरी में हम द्वीप समूह पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है उसे आप फिर से क्या करेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे। एग्जाम पर आप अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाले टाइम पीरियड का अगर जिक्र करेंगे, ईयर लिखेंगे, उस घटनाओं के बारे में बात करेंगे, तो मार्क्स आपको बेशक अच्छा मिलेंगे। तो चलिए अगले भाग पर हम इसके आगे की कहानी देखेंगे। धन्यवाद।